फाइनली आपको इमली मिल गई, कितनी प्लानिंग और प्लॉटिंग करी, कितना ड्रामा क्रिएट हुआ है। जब 4 दिन तक कोई प्लान काम नहीं किया तो हमने कुछ और प्लान किया और फाइनली इमली सूरज के सामने आ गई है। पागल होना आई थिंक आपके बेनिफिट में रहा, मतलब पहली बार ऐसा आई थिंक देखा जा रहा है कि पागल होके इंसान, क्योंकि वो एक नाटक था ना। एक्चुअली ये सब अभी टेलीकास्ट हुआ नहीं है तो आप सब जब ये देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा क्या होने वाला है, बट प्लीज़ देखिएगा बिकॉज हमने बहुत जेन्युइनली एफर्ट्स डाले हैं। सो आई होप आप लोगों को ये पूरा ड्रामा मज़ा आए, देखने में मज़ा आए कि कैसे इमली सामने आती है। लेकिन क्या लगता है अब जब वो सामने आ गई है तो आगे चल के उनकी जो ये करतूतें हैं वो बंद होने वाली है या ये उसी तरह चलती रहेगी? पता नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि इमली आगे क्या करेगी और हम इमली का क्या करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। जो हमें पता नहीं कि इस सीन के आगे क्या होना है, हमें किसी को नहीं पता। सूरज ने गिल्टी फील किया है, पर मैं थोड़ा और गिल्टी फील कराऊंगी और थोड़े सॉरीज लूँगी, उसके बाद उसे माफ़ करूँगी।